subscribe to our channel and press the bell icon. Morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan 12th English 2.2 Indian viewers appreciation of the poem. Let's begin. Appreciation of the poem, title of the poem Indian viewers, name of the poet Sarojini Naidu, rhyme scheme of the poem, rhyming words, the theme, central idea of the poem, figures of speech of the poem. These things are to be discussed in this format. Let's begin. The poet Sarojini Naidu written this poem, Indian Weavers, tells about the work of India's famous handloom craftsmen. The three stanzas mark the three stages of life itself. The weavers reply to question about why they are weaving that particular piece of cloth of a certain color at that time of day. The theme is cycle of life. The weavers use colors associated with birth, marriage and death. यानी ये जो पोएम है ये सरोजनी नायडू ने लिखी है जिसका नाम है इंडियन वीवर्स और ये इंसान की तीन स्टैंजा है. तीनों स्टैंजा में तीन स्टेजेस ऑफ लाइफ बयान करते हैं. वीवर्स बोलते हैं कि ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो वीविंग का काम क्यों कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे वो लाइफ साइकिल को बताते हैं. यही इस पोएम का थीम है, सेंट्रल आइडिया है. और वीवर्स ने वो कलर्स को क्यों चूज़ किया है, क्योंकि वो बर्थ, मैरिज एंड डेथ से कंसर्न होते हैं. थ्रू वीविंग क्लोथ फॉर अ न्यू बॉर्न, अ क्वीन, ब्राइड एंड अ डेड मैन, थ्री स्टैंजर्स ऑफ फोर लाइन ईच इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. द कन्वर्सेशनल टोन गिव्स अ फ्लो लाइक लाइफ, वन स्टेज मूविंग इन टू द नेक्स्ट. अब ये जो पोएम है ये न्यू बॉर्न चाइल्ड, ब्राइड यानी मैरिज एंड डेड मैन के बारे में बताते हैं. तीन स्टैंजा में है ये, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है. और ये कन्वर्जेशन जैसे टोन हमें बताता है कि ज़िंदगी चल रही है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे मूव हो रही है. द पोएम इज़ अ मेटाफोर फॉर द साइकिल ऑफ लाइफ. पोएम क्या है, ये इस्तियारा है, मेटाफोर है. न्यू लाइफ डॉन, मैरिज डस्क एंड डेथ नाइट, ये जो है मेटाफोर के लिए यूज़ किए गए वर्ड है. ये फिगर ऑफ स्पीच मेटाफोर है. लाइफ डॉन, मैरिज डस्क एंड डेड नाइट. सिमिली कंपेयर्स द वुमन गारमेंट्स टू ऑब्जेक्ट्स इन कलर एप्ट फॉर डेट लाइफ, डेट स्टेज ऑफ लाइफ. इसमें दूसरा फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है, जो गारमेंट को, जो ऑब्जेक्ट्स है उसको कंपेयर करता है उस कलर ऑफ लाइफ को जो उस स्टेज ऑफ लाइफ में है. द साउंड ऑफ डब्ल्यू अकर्स अ टोटल ऑफ 20 टाइम्स एट लीस्ट वंस इन ऑल लाइन्स एक्सेप्ट वन. अब जो साउंड ऑफ डब्ल्यू जो रिपीट हो रहा है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ये एलिट्रेशन है. दिस एलिट्रेशन गिव्स अ म्यूजिकल क्वालिटी. द पोएम इज डेडिकेटेड टू द टैलेंटेड वीवर्स एंड द फैब्रिक्स ऑफ इंडिया विच वेयर वर्ल्ड फेमस. यानी ये पोएम डेडिकेटेड किसे, टैलेंटेड इंडियन वीवर्स को है जो पूरी दुनिया में मशहूर है. इट शोज द हार्ड वर्क ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड हाउ वी यूज दैर पर्टिकुलर इन एवरी किचन ऑफ आवर लाइफ. अब इसमें जो बुनकर है उनकी लाइफ में कितनी मुश्किलें हैं उसे इसमें बयान किया गया है. दिस पोएम इज़ अ ब्यूटिफुल वे ऑफ द पोएट टू सैल्यूट द वीवर्स ऑफ इंडिया. अब ये पोएम क्या है, ये एक वीवर्स ऑफ इंडिया को एक ट्रिब्यूट है. ये अच्छी तरीके से पेश किया गया है, खूबसूरती से. आई फाइंड दैट द वीवर्स आर नॉट ओनली स्किलफुल बट ऑल्सो टैलेंटेड. यानी वीवर्स न सिर्फ स्किलफुल है बल्कि टैलेंटेड भी है. दे कम्बाइन कलर्स एंड क्रिएट पैटर्न डेट आर आई कैचिंग. दे नो विच कलर्स आर एप्ट फॉर ओकेशंस. और वीवर्स क्या करते हैं, ये कलर्स और पैटर्न को कम्बाइन करते हैं जो आँखों को तसल्ली बख्श दिखता है. दे नो विच कलर्स आर एप्ट फॉर ओकेशंस, और वो जानते हैं कि कौन से मौके पर कौन सा कलर यूज़ किया जाता है. द पोएट ब्रिंग्स आउट दैट टैलेंट एज वेल एज देयर हार्ड वर्किंग नेचर. पोएट उनके टैलेंट और उनके हार्ड वर्किंग नेचर को भी बाहर लाते हैं.